हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपना सबसे पहला झंडा फहराया, तब उस झंडे को फहराने के लिए नेहरू जी को लोगों के सर पर अपने पांव रख कर जाना था। अब फ्रेंड्स, हुआ यूं कि उस वक्त ब्रिटिशर्स का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग अपने घर से बाहर निकलने तक डरते थे। लेकिन अपनी पहली आजादी को भला कौन भारतीय मिस करना चाहेगा। तो बस हजारों लाखों भारतीय वहां पर अपने जीत का जश्न मनाने प्रकट हुए। और इनफैक्ट इस भीड़ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उस दिन ब्रिटिश सूबेदार लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने हमारी आजादी पाने में मदद की थी, वो खुद भी अपने बग्गी से नीचे नहीं उतर पाया। और उन्हें भी भीड़ के बीचों बीच सारे भारतवासियों के साथ हमारे तिरंगे को सलामी देनी पड़ी। वेल, आई नो आप में से ये स्टोरी कईयों को पता नहीं थी। और ऐसे ही कई दिलचस्प कहानियां दुर्भाग्यवश आज सिर्फ हमारे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए कैद हो गई हैं। लेकिन मैं आपका दोस्त गौरव, एक सच्चा भारतवासी होने के नाते आज ये सारी कहानियां आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और आपको उन सारे फ्रीडम फाइटर्स और उनके रियल लाइफ स्ट्रगल्स से वाकिफ कराऊंगा इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड पीपल हु कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन आवर इंडिपेंडेंस। नंबर 1, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव डेथ, मार्च 23, 1931। मित्रों, आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तारीख से एक दिन पहले ही फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो आखिर ऐसा क्या कर लिया था इन लोग ने कि ब्रिटिशर्स को इनसे इतना खौफ नजर आ रहा था। सो फ्रेंड्स, वेल हुआ यू कि राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों ने मिलकर सन 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी, और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सजा हो गई। ये सजा उन्हें उस वक्त सुनाई गई थी, लेकिन अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। इनकी उम्र कैद की सजा अचानक से फांसी में तब्दील हो जाती है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं अवाम का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि उम्र कैद की सजा मिलते ही मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी जी से लेकर इन्हें रिहा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी ने मिलकर एक आंदोलन करने की घोषणा की, और इससे ब्रिटिश सरकार की फट गई कि कहीं ये तीनों वापस से रिहा ना हो जाए और इस बार सच्ची में इन। और इसी वजह से उन्होंने उम्र कैद की सजा को तुरंत फांसी की सजा में तब्दील कर दिया। 24 मार्च 1931 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन जब आंदोलन ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, तब 24 मार्च से एक दिन पहले 23 मार्च के दिन ही ब्रिटिश सरकार ने इन तीनों वीर जवानों को सलामी पर चढ़ा दिया। और दूसरी सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि ये तीनों इस बात से बिल्कुल भी डरे नहीं, उल्टा ये लोग तो खुश हुए, क्योंकि इनके मुताबिक सारी जिंदगी इन गोरों के कैद में रहने से अच्छा हम हंसी खुशी वतन के लिए मौत को गले लगा लें। और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये गोरे इन तीनों से इतने डर गए थे कि उनकी मौत को 100% कंफर्म करने के लिए उन्होंने स्पेशली एक मेडिकल एग्जामिनर को भी बुलाया। नंबर 2, मंगल पांडे। मंगल पांडे जी जो बॉर्न हुए थे 19 जुलाई 1827 को और उनकी मौत हुई 8 अप्रैल 1857 को, वो महान शख्स हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने खुद अपने ब्रिटिश आर्मी में शामिल किया था। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन भरी दोपहर में ब्रिटिशर्स को इनसे अपने सारे हथियार वापस लेने पड़े और इन्हें तुरंत अपनी वर्दी वहीं पर उतारनी पड़ी। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वार्थी नीतियों के कारण मंगल पांडे ने मन में अंग्रेजियों की ये हुकूमत के खिलाफ पहले से ही नफरत की आग एक तरीके से पनपने लग गई थी, और इस आग में घी डालने का काम एनफील्ड P.53 राइफल ने किया। क्योंकि जब एनफील्ड P.53 राइफल को इस्तेमाल करने की बारी आई, तब उस राइफल में एक ऐसा कारतूस यानी कि कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया गया था जो हिंदू और मुसलमान दोनों के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था। अब हुआ यूं कि इस कारतूस को राइफल में डालने से पहले इसे अपने दांत से काट कर निकालना पड़ता था, और यहीं पर तो प्रॉब्लम आई, क्योंकि एक गाय या फिर सुअर के गोश्त का बनता था, और इसी की वजह से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के मन में इन गोरों के प्रति एक आक्रोश सा उमड़ आ रहा था। और फिर असली कहानी तो 9 फेब 1857 को शुरू होती है, जब ये कारतूस मंगल पांडे की सेना में बांटा गया, तब मंगल पांडे ने उसका इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया, और तब उनके आदेश को ना मानने पर एक ब्रिटिश ऑफिसर ने गुस्से में आकर उसके सारे हथियार वहीं पर जब्त कर लिए और सभी के सामने उन्हें वर्दी उतारने का आदेश दिया। और इस घटना ने मानो अंग्रेजों के खिलाफ इंडियंस का जो आक्रोश था उसकी चिंगारी को हवा देने का काम किया।
पर ब्रिटिश सरकार ये कतई नहीं चाहती थी कि इनके जैसे और कई लोग भी उनके खिलाफ हो जाएं और उन्हें दबाने का दुस्साहस करें। और तब लोगों के मन में अपना खौफ बिठाने के लिए उन्होंने मंगल पांडे जी को जेल में डाल दिया और फिर उन्हें सरेआम सभी के सामने फांसी पर चढ़ा दिया। नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस। बर्थ जनवरी 23, 1897 और डेथ 18 अगस्त 1945। बोलने वाले सुभाष चंद्र बोस जी की पहुंच इतनी ऊपर तक थी कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1940s में जर्मनी और जापान जैसे खतरनाक कंट्रीज के लीडर से ही दोस्ती कर ली थी और वो भी पता है कब? ब्रिटिशर्स के कैद से भागकर। वेल फ्रेंड्स, अपने पापा की बात मानकर बोस ने विदेश से अपनी डिग्री हासिल ही नहीं की थी कि उन्हें तुरंत इंडियन नेशनल आर्मी में पोस्ट मिल गया, लेकिन उन्होंने ये पोस्ट को सीधे मुंह पर ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें गोरों के लिए नहीं बल्कि गोरों के खिलाफ लड़ना था और लोगों के मनों में देशभक्ति के दिए जलाने के लिए उन्होंने स्वराज नामक अखबार भी छपवाना शुरू कर दिया था, जहां वो देशभक्ति की भावना तो जगाते ही पर साथ ही साथ अपने गोरों के खिलाफ भड़काऊ भड़काऊ बातें भी लिखते थे। और अगर इतना ही काफी नहीं था तो उन्होंने गोरों के प्रति भड़काऊ भाषण देने के लिए उस समय के चर्चित चित्रंजन दास जी के साथ मिलकर हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा किया और गोरों की नाक में दम कर दिया और तब स्वतंत्रता की इस चिंगारी को फैलाने के जुर्म में बोस को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। लेकिन जेल में डालने से किसी फ्रीडम फाइटर के आग की चिंगारी बुझती है क्या? जेल से रिहा होने के बाद ही वो फौरन नेहरू जी के साथ अपने फ्रीडम स्ट्रगल पर दोबारा लग गए। लेकिन इस जंग में एक बड़ी परेशानी ये थी कि कई सारे भारतीय जो अपने देश के लिए वाकई में कुछ करना चाहते थे वो डर के मारे बाहर निकलते ही नहीं थे और तब उनके यही डर को भगाने के लिए बोस ने हर एक भारतीय के घर घर में जाकर उन्हें लड़ने की प्रेरणा देनी शुरू की। परंतु उनकी जो विचारधारा थी ना वो गांधी जी से बिल्कुल अलग थी। उनका ये मानना था कि इतने बड़े फ्रीडम स्ट्रगल के लिए सिर्फ बलिदान या अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला और नेताजी ये घर घर जाकर लोगों को बताते थे और इनका ये आंदोलन इतना सफल रहा कि इसके वजह से ब्रिटिश सरकार लिटरली थर थर कांपने लगी। डर के मारे भटकाने के चार्जेस पर ब्रिटिश सरकार ने बोस को अंदर कर लिया, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके और पूरे 7 दिनों तक लंबी भूख हड़ताल की और इसके वजह से उन्हें जेल से छूट तो मिली पर उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया और इसी हाउस अरेस्ट में इन्होंने फिरंगियों के आंखों में धूल झोंक कर ये देश से सीधा फॉरेन के लिए रवाना हो गए और सीधा जर्मनी और जापान जैसे ताकतवर देश के लीडर से मिलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन्हें भारत की मदद करने पे राजी कर लिए और दोनों देशों ने इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की पर अफसोस वो कामयाब नहीं रहे और इस जंग के दौरान ही 18 अगस्त 1945 को एक मिस्टीरियस से प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई और वो दुर्भाग्यवश भारत की आजादी से पहले ही चल बसे। लेकिन फ्रेंड्स, आजादी के लिए उनकी ये स्ट्रगल भारत के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई है। नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बर्थ नवंबर 14, 1889, डेथ मई 27, 1964। फ्रेंड्स, क्या आपको बताया, पंडित नेहरू जी ने हमारे देश को पूरे 17 सालों के लिए संभाला था और आज तक कोई भी हमारे देश में इतने लंबे समय के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना जितना कि ये बने थे। और तो और उनके पिताजी ने उन्हें बिल्कुल एक राजा की तरह संभाला था और अगर ऐसा था तो क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आता कि कैसे उन्होंने अपने सारे ऐशो आराम को छोड़ के आजादी के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला किया? Well, 1910 में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद नेहरू जी ने अपने पिता की तरह कानून की पढ़ाई की और फिर जाकर वो एक वकील बने। परंतु भारत वापस लौटने के बाद उन्होंने ये देखा कि अंग्रेज लोग भारतीय लोगों के साथ बहुत ही बुरा सलूक और व्यवहार कर रहे थे और बस इसी अन्याय, शोषण और अत्याचार को देखते हुए नेहरू जी ने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने का फैसला कर लिया। उनका देशभक्ति से भरा हुआ दिल उन्हें आराम से ये सब देखने के बाद बैठने की अनुमति नहीं दे रहा था और मजबूर कर रहा था कि वो बापू जी के साथ आजादी के आंदोलन से जुड़े और आखिरकार वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ ही गए। कैसे जुड़े? Well, ये सुनो।
अंग्रेजों का आंदोलन करते करते उन्हें कई बार जेल की हवा भी खानी पड़ी, लेकिन अंग्रेजों की हर सजा के बाद वो खुशी खुशी अपनी लड़ाई जारी रखते और आखिरकार उनका यह संकल्प हुआ पूरा और भारत की आजादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 के दिन नेहरू जी के लिए एक सुवर्ण अवसर आया, क्योंकि भारत को और सभी भारतवासियों को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए नेहरू जी को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। और तब से यानी 1947 से सन 1964 तक देश के वो प्रथम और लंबी अवधि वाले प्राइम मिनिस्टर बन के रह गए। नंबर 5, मोहनदास करमचंद गांधी। बर्थ अक्टूबर 2, 1869 और डेथ जनवरी 30, 1948। अब फ्रेंड्स, क्या तुम लोग ये सवाल का जवाब दे सकते हो कि अंग्रेजों ने नमक जैसे मामूली वस्तु पर भी टैक्स क्यों लगाया? Well, बताता हूं, लेकिन उससे पहले गांधी जी एक उत्तम वकील से अपने देश के राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन आखिर कैसे बने, क्या इसके बारे में भी आप जानते हो? So friends, हुआ यू कि गांधी जी उस जमाने में फर्स्ट क्लास की महंगी टिकट निकालकर ट्रेन से वापस अपने घर जा रहे थे, मोहनदास के गांधी। परंतु टिकट होने के बावजूद भी एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उन्हें कूली कहकर उस बोगी से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया और यहीं से उनके दिल में सत्याग्रह यानी फाइटिंग विद पीस का सबसे पहला दिया जला। ब्रिटिशर्स हर चीज से कर यानी कि टैक्स ऐंठते थे और यहां तक कि उन्होंने नमक जो कि घर घर में हर खाने में पड़ता है उस पर भी भारी टैक्स लगा दिया था। और तब इसके खिलाफ सबसे पहले अपनी आवाज उठाने वाले और कोई नहीं थे बल्कि गांधी जी थे, जिन्होंने 12 मार्च 1930 में इस अन्याय के विरुद्ध दांडी मार्च करके आवाज उठाया। अब ये मार्च आगे चलकर हमारे देश के स्वतंत्रता का एक अहम पड़ाव भी बना और इस आंदोलन में तो शुरुआत में सिर्फ 80 पदयात्री ही जुड़े, मगर वहां तक पहुंचते-पहुंचते ये संख्या बड़े आराम से हजारों की तादाद में तब्दील हो गई। ब्राह्मण हो या हरिजन, सभी समाज के लोगों ने इस सत्याग्रह में हिस्सेदारी निभाई और इससे ब्रिटिशर्स को अनेकता में भी एकता दिखाई दिया और इस तरह से ये रैली अंग्रेजों के दबाव का अहिंसक जवाब बन गई थी, क्योंकि अब इस आंदोलन के दौरान नमक की व्यापारी की मोनोपोली अब ये गोरे नहीं कर सकते थे और अब इसकी वजह से इनके तिजोरियां में पैसों के बजाय सिर्फ मक्खियां ही भिनभिना रही थी। और क्या आपको बताया फ्रेंड्स, गांधी जी वो पहले इंसान थे जिन्होंने इंडिया में फॉरेन गुड्स का बहिष्कार भी किया। उनका मानना था कि फॉरेन गुड्स को इंडिया में बैन कर देना चाहिए और सिर्फ फटाके ही नहीं बल्कि वो अपने कपड़े तक भारत के बने हुए चरखे से ही बनाते थे। उनका एक स्ट्रॉन्ग मानना था कि हम पूरे विश्व को अहिंसा के माध्यम से जीत सकते हैं। और इतना ही नहीं, 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट भी गांधी जी ने ही शुरू की थी, मगर जब 1947 में भारत को आजादी मिली तब उनके अहिंसावादी विचारों को ना मानने वाले नथुराम गोडसे ने उन्हें बीच चौराहे पे आखिरी दम तक भारत के लिए लड़ते रहने की वजह से आज भी हम सभी उन्हें फादर ऑफ द नेशन के नाम से ज्यादा जानते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान निछावर कर दी ताकि इनके आगे के जो पुश्ते हैं वो आजादी से जिंदगी जीत सके, यानी कि हम आजाद रह सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल गेट सिंपल फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर दो और दबा